हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी हैव टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, चैप्टर 10 और हिंदी ग्रामर क्लास 1। चैप्टर नेम इज विशेषता बताने वाले शब्द, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। जो हम लोग जिसके बारे में समझा, जो हम लोग को विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं, जिनकी हम विशेषता बताते हैं, जिनके हम क्या, वो कितना, कैसा, क्या है, गर्म है, अच्छा है, मीठा है, बुरा है, जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में बताए, वो होता है विशेषता। ठीक है, तो हम इसके समझेंगे कि विशेषता हम कैसे किसको समझ सकते हैं कि वो कितना, क्या, किस बारे में है, तो इसको हम समझेंगे विशेषता बताने वाले शब्द। कैसा या कितना, जैसे चाय गर्म है। चाय क्या है? गर्म है। इसकी विशेषता क्या है कि चाय गर्म होती है, चाय गर्म है। आम मीठा है। आम की विशेषता क्या हुआ? मीठा। जो आप रेड वर्ड शब्द, रेड से कलर से देख रहे हो, रंग से, वो हो गए विशेषता, आम मीठा है। ये तीन आइसक्रीम है। कितनी है? तीन। ये तीन आइसक्रीम, इसकी विशेषता क्या हुई? तीन। ये चार कप हैं, खाली कप हैं, तो इसकी कोई विशेषता, इसलिए चार जो है, चार हैं वो कप हैं, वो इसकी इसकी विशेषता। बच्चों, आपने देखा कि ऊपर दिए गए चित्रों में सभी चीज़ों में कुछ ना कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है जो उन्हें एक दूसरे से अलग कर रहा है। हाँ, क्यों? गरम, मीठा, दोनों अलग हुए, तीन चार, क्या है इनमें? काउंटिंग आया और इनमें इनकी विशेषता होता। तो कैसा और कितना, ये हो गए कितना और ये कैसा हुआ ना, तो इसलिए गरम और मीठा हो गया। कितना कि मतलब मीठा कितना है, गरम कितनी है चाय, आप इस तरह से इसको पूछ सकते हो। वैसे आइसक्रीम कितनी है और कप कितने हैं, तो इस तरह से आप इसको भी पूछ सकते हो, जो इसकी विशेषता बताएंगे आपको, उसके बारे में समझाएंगे। चीज़ यानी वस्तु कैसी है, कितनी है, यह बताने वाले शब्द ही उसकी विशेषता या गुण कहलाते हैं। विशेषता मतलब गुण। जैसे ये देखिए, आप यहाँ देखिए, दो कोयल कौआ बैठे हुए हैं। कोयल की मीठी और कौवे की कड़वी बोली सुन सभी जान जाते हैं दोनों के गुण। हाँ, क्योंकि कोयल बहुत मीठा बोलती है, कौवा काँव काँव कड़वा बोलता है, इसीलिए इनकी ये भी अपनी अपनी विशेषता है। हाँ, दोनों काले हैं, आप कंफ्यूज भी हो सकते हो कि इनमें से कौवा कौन है और कोयल कौन है पिक्चर में। आप वैसे सामने से तो पहचान जाओगे, लेकिन अगर पिक्चर बनी हो तो आप नहीं। तो इसके बारे में समझाया गया, कोयल बोलती कू कू और कौवा काँव काँव कड़वा जैसा बोलता है, इसलिए कोयल की मीठी और कौवे की कड़वी बोली सुन सभी जान जाते हैं दोनों के गुण। इसलिए बच्चों, हम लोग को सबकी विशेषता हर किसी की अलग अलग तरीके से होती है, जो हम इस चैप्टर में समझे और इसको पढ़ चुके हैं। अब आपको खुद भी रीड करना है और समझना है, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए आपको खुद भी इस चीज़ को समझ सकते हो। आई होप चिल्ड्रंस, आपको ये चैप्टर सबसे अच्छा, मतलब आपको समझ में आ गया होगा इजी, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं हुई होगी और आप खुद भी रीड कर सकते हो। ओके चिल्ड्रंस, थैंक यू, बाय बाय।